हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। एंड क्लास 10 की स्टूडेंट्स हम लोग लगे हुए हैं पूरी तरह से जोर लगा के तैयारी करने के लिए फॉर द एग्जाम विच वी हैव टुमारो। कमर्शियल स्टडीज का आपका पहला पेपर है एंड फर्स्ट कोर सब्जेक्ट का एग्जाम है। इंग्लिश का पेपर आपका जैसा भी गया, इट डज नॉट मैटर नाउ। अब हम लोगों का कंप्लीट फोकस होना चाहिए कमर्शियल स्टडीज के ऊपर। एंड जिन बच्चों ने कल मेरा मेगा रिविजन सेशन 1 ज्वाइन किया था, उनको पता है कि यहाँ पर एक भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ेंगे नहीं, और जितने भी चैप्टर्स हम रिवाइज करने वाले उसे कंप्लीटली एंड थरली रिवाइज करने वाले। चलिए, तो आज की स्टार्टिंग कर रही हूं मैं आपके फाइनेंस यूनिट से, और वहां पर से मैंने जो चैप्टर लिया है वो है चैप्टर नंबर 8, विच इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज हो सकती है, मैंने खुद एक वेटेज बनाई थी जिसमें मैंने आपको 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बताई थी, और उसके साथ ही साथ ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू मी किस चैप्टर की कितनी वेटेज मुझे लग रही है, उसे आप जरूर रेफर कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो। अदरवाइज चलिए अब रिवीजन के लिए जुड़ जाइए, और जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बिकॉज यहां पर आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ स्टडी रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल, कोई भी फालतू बात यहां नहीं होने वाली है। चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या है। भाई कॉस्ट क्या होता है, क्या होता है ये कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब होता है कि द अमाउंट विच एक्सपेंडिचर हमने किया हुआ है इनकर्ड ऑन वेरियस आइटम्स, जैसे कि रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा किया है, जैसे कि वेजेस के ऊपर खर्चा किया है, बाकी वगैरह वगैरह चीजों को हम बोलते हैं कॉस्ट। मतलब कि प्रोड्यूसर के पॉकेट में से बाहर जितना भी आइटम जा रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। बट द टर्म कॉस्ट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड। However, the term cost cannot be exactly defined. That the cost of the product may be factory cost, office cost, cost of sales, money spent on the materials is called the cost of material. मतलब कि अगर हम बात करें कि precisely cost किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके की cost included होती है, इसीलिए exactly cost क्या है बोला थोड़ा मुश्किल है, but नामुमकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। Okay, तो चलिए, तो cost के अंदर क्या क्या चीजें included होती है? Money spent on labor, cost of labor, the interpretation depends on the nature of business and industry, the context in which it is used. So, मतलब cost की अगर मैं बात करूं तो various businesses के लिए अलग अलग cost होगी, जैसे कि service industry के पास production cost नहीं होगी, and हो सकता है कि production वालों के पास technology के ऊपर इतना खर्चा नहीं हो रहा। तो हर एक business की जो cost है वो बनती है अलग अलग ingredients से, जैसे अलग अलग खाना अलग अलग ingredients use करके बनता है, ऐसे ही अलग अलग business की according to their nature cost अलग होती है। लेकिन obviously हर एक business को employees के ऊपर खर्चे करना होता है, हर एक बिजनेस की फाइनेंस कॉस्ट होती है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह हम पे करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट यहां पर देख रहे हैं बच्चों, और यहां पर हम बात करें एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट एंड एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जिसका डायरेक्ट रिलेशन है विद द प्रोडक्ट, जैसे कि आप जब फाइनेंस अकाउंट में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो चीजें आप डालते हैं डेबिट साइड में, वो सारी की सारी चीजें बच्चों आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे कि मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस which are directly or easily traceable to our product. जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा प्रोडक्ट है एक मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन के अंदर जो चिप लग रही होगी, जो कैमरा लग रहा होगा, और जितने भी चीजें जो मोबाइल के अंदर इंक्लूडेड है, उन सबको हम बोलेंगे कि ये है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। बट मोबाइल को पैक जिस डब्बे में किया जाता है उसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि वो है एक तरीके की इनडायरेक्ट कॉस्ट। मोबाइल फोन को बनाने के लिए जो टेक्नीशियंस लगते होंगे, जो इंजीनियर्स लगते होंगे, जो लेबर लगता होगा, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लेबर लगता होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खर्चा होता होगा, वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल नहीं है, इसीलिए वो आ गया इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एंड इस चैप्टर की स्ट्रॉन्ग लिंकिंग है आपके फाइनेंस वाले चैप्टर के साथ भी, क्योंकि आपका जो फाइनल अकाउंट है वहां पर भी आप देखेंगे जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे होते हैं, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे होते हैं। एंड कॉन्सेप्ट वहां पर भी सेम होता है कि जो भी आपकी कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट नहीं है उसे हम डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे एक बार रीड कर लेते हैं। मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एंड इजिली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट सर्विस और जॉब आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। ऑल दिस टेक एन एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। दीज कॉस्ट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट प्रोसेस
प्रोसेसेस और डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म. वेर एस अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दोस आइटम्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्शन. मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑब्वियसली दे आर इंपॉर्टेंट, इनकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है. क्या है ये? इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर द कंसर्न फॉर होल और रादर देन पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की जगह पूरे यू नो एज अ कंसर्न एज अ होल पे रखती है. जैसे कि हम बात करें, एक होता है लेबर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. अब एडमिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं ओवरलुक कर रहा होता है, वो सब जगह देख रहा होता है, सब जगह का सुपरविजन कर रहा होता है, सब जगह के लिए काम कर रहा होता है. तो एज अ होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन लगता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, इस व्यक्ति ने इतने दिन काम किया और उसकी सैलरी इतनी है, तो उसका एक एक प्रोडक्ट के ऊपर वाइफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. तो इसीलिए यहाँ एग्जाम्पल है सैलरी ऑफ टाइमकीपर. इसके ऊपर इनफैक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ टाइमकीपर. मल्टीपल चॉइस में देखिए कितना अंदर जाके डीपली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइमकीपर की सैलरी जो है डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है. तो मेरे बच्चों, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ भी मत छोड़ के जाना. ऐसा मत कर लेना कि यू हैव डन सर्टन चैप्टर्स एंड आपने सिलेक्टिव स्टडी कर लिया और कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया. देखिए आपके SQP में आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है. इतना डिटेल में जाके आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल. तो थरो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको ठीक से पढ़ना है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है. इनडायरेक्ट कॉस्ट इज सैलरीज ऑफ टाइम कीपर, स्टोर कीपर, फोरमैन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट. इन रनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेन, कॉस्ट ऑफ रेलवे स्टेशन एंड रेलवे स्टाफ इज ऑल्सो इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो सारे एग्जाम्पल्स को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है बच्चों. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है. हमने ऊपर देख लिया था इनका मीनिंग कि टाइप ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा. सो डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर. डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जिसे हम प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. सो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट विच कैन बी कन्वीनियंटली असाइन टू अ स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट. देन इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की. एज अ वर्ड डायरेक्ट इज इंडिकेटिंग कि डायरेक्ट लेबर मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली जो लेबर इस्तेमाल किया जाता होगा उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर. क्या इनडायरेक्ट लेबर भी होता है? यस, वेरी मच इनडायरेक्ट लेबर भी होता है. मतलब कि जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर. जो ऑफिस में काम कर रहा है HR डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट. व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? दीज आर द एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली एंड कन्वीनियंटली एंड होली एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट. अब ये कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, ये वर्ड मोटे मोटे याद कर लेना, इन्हें लिख के आना. इसी से आपका जो आंसर है उसकी वेटेज बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा, पढ़ के लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया. कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट्स क्या होते हैं, अभी उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, बस अभी के लिए आप याद रख लीजिएगा. जैसे रेंट फॉर द हायर ऑफ स्पेशल मशीन. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मशीन है उसे खरीदा हुआ नहीं है, हमने हायर पे लिया हुआ है. जैसे नॉर्मली JCB मशीन जो होती है उसको हायर पे ले लेते हैं लोग, क्योंकि बड़ी मशीन है, महंगी मशीन है, हर समय जरूरत नहीं पड़ रही है. अगर तो हम उसे हायर पे भी ले लेते हैं. तो ये सब जो हो गए हैं वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर अभी तक हमने तीन चीज़ें देख लिया. डायरेक्ट मटीरियल इज डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट, डायरेक्ट लेबर इज डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट ओनली. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया. अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है. ये तो समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर आता क्या क्या है, किससे बनी है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है इनडायरेक्ट मटीरियल. अब इनडायरेक्ट मटीरियल कैसे हो सकता है मैम, इनडायरेक्टली मटीरियल कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट मटेरियल जो एंसिलरी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली असाइन टू अ स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट एंड नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल. सच मटेरियल में बी यूज इन द फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन. अच्छा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो यूनिट, आपका जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है लेट्स से बुक्स, बुक्स प्रोड्यूस करती है, एंड बुक्स के प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो सब कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल. लेकिन आपके अकाउंट्स ऑफिस में एक मटेरियल परचेज किया जाता है, दैट इज कैलकुलेटर. ओके, वो कैलकुलेटर्स बहुत सारे लगते हैं, पेन्स खरीदे जाते हैं. तो ये पेन और कैलकुलेटर क्या प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं?
ऑब्वियसली नॉट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होते, या हम प्रिंटिंग का पेपर खरीदते हैं ऑफिस यूज के लिए, जो ऑफिस के लिए चाहिए वो नहीं जो बुक प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए. तो क्या ये मटेरियल हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल है, क्या ये बुक का पार्ट बन के सेल हो रहा है? आंसर इज नो, ये बुक का पार्ट बन के बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहा है. तो इस मटीरियल को बोला जाता है इनडायरेक्ट मटीरियल. देन अगर बात करें इनडायरेक्ट लेबर की, तो जैसे कि फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम कर रहा है वो क्या है? डायरेक्ट मटीरियल. लेकिन फैक्ट्री के गेट पर जो गेट कीपर बैठा हुआ है वो है इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है. अगर बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें रेंट, लाइटिंग वगैरह, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर एट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते. मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि फैक्ट्री के रेंट का कितना पार्ट एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा, कितना पार्ट उसके लिए यूज हुआ. बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है इसे कैलकुलेट करना, इसीलिए हम बोलते हैं इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो हमने देख लिया डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों के अंदर आगे वाला आइटम तो सेम ही है, मतलब मटीरियल और एक्सपेंस एंड लेबर. एंड उसके पहले अगर वो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट 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 वर्ड यूज कर देना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड यूज कर लेना. एंड एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको जरूर जरूर से याद रखने होंगे स्टूडेंट्स. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब इसके बाद हम देखते हैं फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है. फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम टाइम पीरियड बेसिस के ऊपर यहाँ पर कॉस्ट को एंड प्रोडक्शन से उसके एसोसिएशन के बेसिस के ऊपर बाइफोकेट करते हैं. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या था कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं है. फिक्स का लेवल ऑफ प्रोडक्शन से रिलेशनशिप होता है. मतलब कि अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं कि फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होगी. चाहे आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, चाहे 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, आपकी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स. वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अगर आप 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो तो 0 होगा, अगर आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो बढ़ जाएगी, और अगर आप 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो और बढ़ जाएगी. सो accordingly this is going to change. अगर हम बात करें fixed cost, यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. The fixed cost means the cost which do not vary and remain constant with a given period of time and range of activity in spite of fluctuation in the output. Rent of factory building, factory manager's salary, property tax, insurance etc. are the example. Examples are very very important students. Example के ऊपर आपको काफी ध्यान देके पढ़ना है. तो ये सारी fixed cost है. अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम factory में अगर कुछ भी production नहीं कर रहे हैं तो factory का rent pay नहीं करेंगे. Obviously it is not possible, it is nonsensible कि ऐसा कोई करेगा, क्योंकि ऐसा permit किया ही नहीं जाएगा. जो factory का owner है वो बोलेगा भले ही फैक्ट्री के अंदर ताला लगा हुआ हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा रेंट टाइम पे मिल जाना चाहिए. आप डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो तो क्या ओनर आके खड़ा हो जाएगा, अरे भाई तुमने डबल शिफ्ट में काम किया है दो बार का रेंट दे दो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. तो इसीलिए आपकी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी. Whereas, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी कॉन्ट्रास्ट है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लेवल. जैसे ही प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है. जैसे कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा मटीरियल इस्तेमाल होगा तो मटीरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लेबर का इस्तेमाल होने लगेगा एंड लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल एंड examples of cost of power etc. are the example of direct variable cost. Okay, there are certain costs which do not vary proportionately but do not remain constant. Changes in the volume of output, such cost is also known as semi-variable cost. मतलब यहाँ पर एक third type of cost भी है जो कि दोनों का combination है, जिसका कि certain part जो है वो fix रहने वाला है और उसके बाद ये vary करेगा, उसे हम बोलते हैं semi-variable cost. सबसे अच्छे example मैं आपको telephone bill का देती हूँ. जैसे कि हमारे यहाँ अगर landline phone होते हैं तो उनका क्या होता है, एक फिक्स रेंट होता है, उतना आपको हर महीने पे करना ही होता है और उसके बियॉन्ड यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है. टेलीफोन तो है ही नहीं मैम हमारे, अब तो हम आजकल के जमाने में कौन लैंडलाइन फोन यूज करता है. चलो ठीक है छोड़ो, हम अगर बात करें कि बिल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना, जो मीटर लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दिया हुआ है, फ्री में नहीं दिया हुआ है, उसका एक मीटर रेंट होता है. तो अगर आपके घर में ताला लगा हुआ है, ऑल द स्विचेस आर ऑफ, कहीं पे भी कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं हो रहा है,
फिर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बेयर मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है क्योंकि वहां पर इंक्लूड होता है मीटर रेंट. सो उसके बाद आप जितना यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूसेज इट विल बी चार्ज, बट मीटर रेंट फिक्स रहेगा. तो ये भी एक एग्जाम्पल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का स्टूडेंट. सो इस तरह से हमने फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को भी खत्म कर लिया है एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर. हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया है. अब हम एक काम करेंगे, हम पहले इस यूनिट के बाकी के चैप्टर्स को खत्म कर लेंगे एंड फिर उसके बाद जाकर हम स्कैनर से देखने वाले हैं कि इससे वेरियस ईयर में, इस साल में और वेरियस ईयर में कहां कहां क्वेश्चन पूछे गए हैं. चलिए, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट. चलिए, अब ये जो चैप्टर है दिस इज चैप्टर नंबर 7. हमने चैप्टर नंबर 8 पहले कर दिया है एंड चैप्टर नंबर 7 अब हम कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. यहां से सब बच्चों को पता है कि 10 नंबर का श्योर शॉट क्वेश्चन आने वाला है विच इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जहां पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आना होगा. बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि वो उसी 10 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर पूरा पूरा फोकस कर देते हैं एंड एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि वॉट थ्योरी इज देयर. बेटा आपकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पर थ्योरी आने के चांसेस भी है. तो आपको कुछ भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है. अभी भी आपके हाथ में आज का आधा दिन रखा हुआ है, तो आप प्लीज थ्योरी पढ़ के जाएं. आपके लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बट एक दिन पहले एग्जाम के आप कितने न्यूमेरिकल लगा के दे पाएंगे, 3-4 न्यूमेरिकल कर पाएंगे और आपको ज्यादा सर क्वेश्चन देखकर ही जाने होंगे. जो प्रैक्टिस थी वो अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी, मतलब पहले कर ली होगी आपने. अब आज के दिन आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं करने हैं, आपको ध्यान देना है थ्योरी के ऊपर, क्योंकि जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका रिटेंशन होगा. चलिए, तो इस चैप्टर में हमारे पास थ्योरी के लिए क्या है, हमारे पास सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट निकलता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस भी हो सकता है ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इन द गिवन टाइम पीरियड. नॉर्मली जो टाइम पीरियड हम फॉलो करते हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द सेल्स प्रोसीड के ऊपर जो जो हमने खर्चा किया है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करेंगे तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आ जाएगा विच कैन बी ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और इट कैन बी ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसे आपको ध्यान से याद रखना है. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप सबने फाइनल अकाउंट में किया हुआ है. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है. लेकिन जो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है उसके पास हो सकता है कोई भी ओपनिंग स्टॉक ना हो. परचेजेस होता है दूसरा, जिसे हम बोलते हैं नेट परचेजेस, ऑल्सो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दे. अभी कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये पता नहीं होता है कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब भी परचेजेस होता है. यस स्टूडेंट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब बिजनेस से जो बाहर सामान गया, हमने हमारे सप्लायर से कुछ परचेज किया और उसे हमने डिफेक्टिव होने की वजह से या एज पर हमारे स्पेसिफिकेशन ना होने की वजह से वापस कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न हो गया है. फिर उसके बाद हमारे पास है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न. सेल्स मतलब हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट होता है, लेकिन सेल्स में से कुछ रिटर्न भी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न इन वर्ड. देन हमारे पास होता है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड होता है, उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ही होता है. अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नीचे लिखा हुआ मिलता है, इसीलिए आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों में लिखते हैं शोइंग एज एन एसेट. अदरवाइज अगर ये आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता है तो आप इसे फिर एक ही जगह पर लिखते हैं, दैट इज योर ट्रायल, दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट. सो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सीक्वेंस है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद. ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, मतलब कि आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो जाकर के लिख दिए होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर आप लिख रहे होते हैं क्या, यहां पर आप लिख रहे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यहां से या तो आपको नेट लॉस मिलने वाला है या फिर यहां से आपको मिलने वाला है नेट प्रॉफिट. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो बनता है इसमें हम लिखते हैं सब तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ये जो नेट प्रॉफिट निकलता है इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां, इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में और इसे कैपिटल के साथ जाकर के जोड़ दिया जाता है. ये भी अकाउंट जो है ईयर टाइम बेस्ड है, मतलब कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिर अकाउंटिंग ईयर के लिए बनता है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए. अब वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करी जाती है. प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इसके अंदर क्या क्या
आता है. सबसे पहले इसके अंदर आते हैं ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस. ऑफिस और एडमिन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस वहां पर आते हैं. देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेयरहाउस का रेंट, गोडाउन का रेंट, स्टोरेज एक्सपेंसेस, कैरियज आउटवर्ड. अच्छा, कैरियज आउटवर्ड और इनवर्ड में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. देखो, कैरियज आउटवर्ड होता है मतलब जो गुड हम सेल कर रहे हैं, सेल्स के ऊपर लगने वाला आउट यू नो कैरियज. तो कैरियज आउटवर्ड हमेशा ही कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. वेयर इज कैरियज इनवर्ड इज द कैरियज विच यू हैव पेड ऑन रिसीविंग द गुड्स, मतलब परचेज के ऊपर जो खर्चा किया है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में. सैलरीज ऑफ स्टाफ, कमीशन ऑन सेल्स, ब्रोकरेज, पैकिंग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब कि डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर्स वगैरह, जो भी हमने पे किया हुआ है, बैंक चार्जेस वगैरह, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ऑल्सो दे कम अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, अलग अलग हेड में डिवाइडेड है. आपको ऐसे अलग अलग हेड में लिख के आना नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इन सारे हेड्स के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स. देन इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, दैट इज योर बैलेंस शीट. प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के. रेवेन्यू इनकम्स यहाँ पर आती है क्रेडिट साइड में. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, रेवेन्यू इनकम आती है जैसे कि यू नो डिस्काउंट आपको मिला है, इन द ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस में कोई कमीशन मिला हुआ है आपका, या फिर नॉन ट्रेडिंग इनकम्स में जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है क्रेडिट साइड में. सो इसके क्रेडिट साइड में बहुत कम आइटम आपको दिखाई देंगे, मेजर आइटम जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं डेबिट साइड में. फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा, जो फाइनल अकाउंट है, उसके अंदर तीन चीजें होती है. एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट, या जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच सेट्स आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन अ सर्टेन डेट. ये हमेशा एक डेट पे बनती है. वेयर एज अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो फॉर अ पीरियड वो बनता है. इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट बिकॉज इट इज अ शीट ऑफ दोस लेजर अकाउंट्स विच हैव नॉट बीन क्लोज, जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर क्लोज नहीं किए, उन्हें यहां आकर के क्लोज किया जाता है. तो यहां पर जितने पर्सनल अकाउंट्स आते हैं जैसे कि डेटर्स वगैरह के या रियल अकाउंट होते हैं, वो सारे अकाउंट्स यहाँ पर आकर के क्लोज होते हैं बैलेंस शीट में. ओके, सो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उन सब आइटम्स को लिखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर. बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. तो आपको बैलेंस शीट में एक साइड दिखाई दे रहा है लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी के अंदर आपके पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म मॉर्गेज लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक वगैरह लिया है, डिबेंचर लिया है, तो वो आता है. ओनर्स इक्विटी मतलब कि ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप की खुद की कैपिटल, जिसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, उसके अंदर हम जाके नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं. ये आपको आगे जाके करना है. ओके, एसेट्स, जब आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे क्लास 11th में, तो आपका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट भी आ जाएगा. एसेट साइड में हमारे पास दो तरीके की एसेट होती है, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट. ऐसे बाइफर्केशन करके आप नहीं भी लिखेंगे 10th के लेवल पे तो चलेगा. कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट में फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी वगैरह, इस तरीके की एसेट्स इंक्लूडेड होती है. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से एक बार ये पढ़ लेना है कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर आता क्या है. फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको नहीं कराऊंगी, मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में से आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करा दूंगी, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो भी हम लिख करके देख के कर लेंगे. चलिए, तो आपका चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो गया है. आपको फिर से याद दिला दूं कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का चैप्टर हमने पहले ही, सॉरी, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस नहीं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थे उसका चैप्टर हमने पहले ही खत्म करा दिया है आपका, और आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का चैप्टर भी हमने पहले ही खत्म करा दिया. इस यूनिट में से जो बिलोंग करता है आपका कॉस्ट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू वो हमने पहले खत्म करा दिया था, तो आप उसे वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हैं. उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वीडियो की, आप उसे वहां पर से जरूर देख लीजिएगा. तो ये पूरी की पूरी यूनिट जो है आपकी यहां से खत्म हो जाएगी. स्टूडेंट्स, तो जोश को बरकरार रखिए, जोश को बिल्कुल ठंडा मत पड़ने दीजिए. मुझे मालूम है कि कई देर तक यहां पर बैठ के रिविजन करना टायरिंग हो सकता है, बट वी डू नॉट हैव एनी चॉइस. यस, कल है हमारा एग्जाम, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना
करना हमारे लिए एक ऑप्शन बचता है। आप चाहिए तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके यहाँ वहाँ घूम लीजिए, लेकिन दैट ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। ओके चलिए, सो अब हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस यूनिट आ रहे हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मैं शायद बजटिंग के चैप्टर को ले नहीं पाऊंगी बिकॉज मुझे लगता है कंपेरेटिवली वो थोड़ा ईजी चैप्टर है, एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही दिखाई देते। मैंने आपको वादा किया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे मैं पूरी तरीके से खत्म करा दूंगी, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड करता है कि किस तरीके की वो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या वो पार्टनरशिप है, क्या वो कंपनी है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं। वो कैपिटल होती है जो वो खुद लेकर आया, वो बैंक से लोन ले सकता है या फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन ले सकता है। पार्टनरशिप में थोड़े से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो जाते हैं क्योंकि वो ले सकता है लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, द पार्टनर्स देमसेल्फ कैन गो एंड टेक लोन फ्रॉम द बैंक, एंड बड़ी कैपिटल हो जाती है। सबसे ज़्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस किसके पास अवेलेबल है, That is your joint stock company, क्योंकि joint stock company from public at large funds raise कर सकती है। So अब यहाँ पर हमें देखना होगा जब हम fund raise करते हैं तो कौन से market के through करते हैं, obviously capital market के through। So capital market क्या होता है, So capital market consists of all the organization, institutions and instruments that provide long term funds, business firms utilize this market to produce funds for their long-term investment. The capital market has two major components. Number one is primary or new issue market and the second one is secondary or stock exchange. So, हम सब ज़्यादा जिसके बारे में बात करते हैं हम capital market बोलते रहते हैं, actually हम ये secondary market बोलते हैं जहाँ पर हम second hand securities को खरीदते हैं। Primary market जहाँ पर new issue होता है वो companies को directly new issue करती है through IPO वगैरह। The capital market is an organized market consisting of suppliers and users of funds and the agencies and institutions which assist in the flow of funds. So, ये market होने की वजह से capital formation हो पाता है, ये market होने की वजह से funds जो है from the savers to the borrower of money की तरफ जा पाते। Capital market is an institutional arrangement by which savings generated in the country are channelized into the avenues of long-term investment. तो channelize हो जाता है saving का from saver to the borrower. So, capital market is the linking pin between the borrower and the saver of money. चलिए, अब देखते हैं next what are the functions of capital market. यहां पर किसी की क्वेरी आई थी कि फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट है या नहीं है, बिल्कुल है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। एसक्यूबी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट, कैपिटल मार्केट की एग्जिस्टेंस की वजह से लोगों में प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट मतलब कि बचत का प्रमोशन होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो पैसा बचाएंगे और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से होने वाला है क्या, वहां से होने वाला है उन्हें एक पैसिव इनकम का जनरेशन जो कि किसी भी बैंक लोन के, बैंक के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से ज्यादा होने वाला है, इसीलिए लोग प्रमोशन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देन है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, अ कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स प्रॉफिटेबल रेवेन्यूज टू द इन्वेस्टर्स, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन अर्निंग मैक्सिमम अवेलेबल रिटर्न ऑन देयर फंड्स। लोग इसीलिए कैपिटल मार्केट में पैसा डालते हैं ताकि उनका पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, इस तरीके से। दे नो देयर इज अ रिस्क बट इफ दे पुट इट इनटू द गुड काइंड ऑफ कंपनीज दे कैन गेट अ लॉट ऑफ मनी इन रिटर्न ऑल्सो। लिक्विडिटी होती है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल मार्केट में पैसा डाल दिया तो अब वापस नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यहां पर लिक्विडिटी है। सेकेंडरी मार्केट जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, कभी भी आप अपनी सिक्योरिटीज को बेच करके बाहर निकल सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इनेबल्स borrowers to obtain the needed amount जब भी चाहिए उनको from the capital market, and transfer of funds, a capital market provides a mechanism for transfer of claims and capital funds, automatically settlement हो जाता है, तो बहुत ही transparent है और लोगों का trust होता है capital market के ऊपर। Next है रेडी मार्केट, इट्स अ रेडी मार्केट, बोरोअर गेट रेडी मार्केट फॉर देयर शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फटाफट वहां से बेच करके क्या किया जा सकता है, फंड्स को जनरेट किया जा सकता है। बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करता है कैपिटल मार्केट, इट ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई बाय चेंजिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रेट्स में, द एक्सपर्ट्स कैन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी विद द रिसर्च एंड कैपिटल फंड्स। कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कैपिटल फॉर्मेशन होता ही कैपिटल मार्केट की एग्जिस्टेंस की वजह से। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट स्टूडेंट्स, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। कैपिटल मार्केट का चैप्टर जो है थोड़ा सा, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये आपके लिए कॉमन टर्म नहीं होंगी, लेकिन आगे जाके अगर आप कॉमर्स में ही रहने वाले हैं, अगर क्या 100% रहने ही वाले, तो आपको इन सब टर्म्स से फेमिलियर हो जाना चाहिए अभी से ही। चलिए नेक्स्ट जाते हैं,
वट नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं. देर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर वो फिक्स एसेट का एक्विजिशन कर रहे होते हैं, बड़े बड़े फंड्स की जरूरत होती है. सो उसमें से है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, दीज आर द शेयर्स हु डू नॉट कैरी एनी स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट, मतलब कि ये मैक्सिमम रिस्क बेयरर होते हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ देयर जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने जनरेट दिया है कंपनी को, उसमें कोई भी इनका प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है. लेकिन हाँ, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं एंड दे कंट्रोल द कंपनी. तो पूरा का पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इलेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है एंड सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को थ्रू एनुअल जनरल मीटिंग में आकर वोट करके यही लोग सेटल करते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली ओन्ड फंड का ही एक पार्ट है, लेकिन उनको कोई प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं. दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, एक होता है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा देन इक्विटी शेयर होल्डर को. एंड अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए तो वहां पर भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा स्टूडेंट, और उसके बाद ऐसा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा. इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी फिक्स होता है, अनलाइक इक्विटी शेयर्स इनका कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो है वो होता है फिक्स. चलिए फिर देखते हैं और क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है. हम लोग बात करें अगर बोरोड फंड की, तो हमारे पास डिबेंचर्स अवेलेबल है, हम पब्लिक से मनी बोरो कर सकते हैं. दे आर बोरोड फंड ऑफ द कंपनी, दे आर नोन एज क्रेडिटरशिप और सिक्योरिटीज बिकॉज ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. सो डिबेंचर कैपिटल देयरफॉर बी कॉल्ड डेट कैपिटल. डिबेंचर्स आर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी यूजर अंडर इट्स सील एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट. सो डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है स्टूडेंट, उनको इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह डिविडेंड नहीं मिलता, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता. इनको जो इंटरेस्ट देना है कंपनी को इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी देना है, मतलब प्रॉफिट चाहे कंपनी अर्न करे चाहे ना करे इन लोगों को इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए. एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आल्सो. डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिलता एंड इनफैक्ट दे आर नॉट इवन कॉल्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. उसके पहले हम लोगों को देख लेना है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर. ये भी 5 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है. तो डिफरेंट लेने का वही तरीका यहां पर होने वाला है. हमारे पास बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन रहेगा, शेयर्स रहेंगे एंड डिबेंचर्स रहेगा. सबसे पहले देखते हैं कि नेचर कैसा है. शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ओन्ड फंड, वेयर इज डिबेंचर जो है वो बोरोड फंड का पार्ट है. स्टेटस क्या है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, वेयर इज डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर आउटसाइडर. सिक्योरिटी, शेयर्स इश्यू करते समय किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, वेरियस डिबेंचर्स इश्यू करते समय चार्ज अगेंस्ट एसेट किया जाता है, मतलब कि एसेट्स रखी जाती है. राइट टू रिटर्न, डिविडेंड्स कैन नॉट बी क्लेम्ड, वेरियस इंटरेस्ट इज अ राइट अगेंस्ट प्रॉफिट मिलना ही चाहिए उनको. वोटिंग राइट की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही वोटिंग राइट मिलता है, डिविडेंड डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी राइट नहीं मिलता है. रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क काफ़ी हाई है, क्योंकि ना तो उनको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है ना उनका पेमेंट सबसे पहले होगा. सबसे पहले बाहर वालों का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद उनको पेमेंट किया जाएगा. सो यहाँ पर रिस्क कम होती है इन केस ऑफ डिबेंचर एंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट. सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का पेमेंट किया जाएगा, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के बेचारों को सबसे आखिरी में मिलेगा. So these are the differences, students. Speed में थोड़ी fast रख रही हूँ, so that minimum time investment से you can gain a lot from here today. So अब हम बात करते हैं short term sources of finance की. तो अगर short term sources of finance की बात करें students, तो यहाँ पे होते हैं term loans, cash credit and discounting of bill of exchange, जो कि commercial bank देते हैं. तो इन forms में commercial banks आपको loan देता है. इसके अंदर आता है term loan. Term loan मतलब लोन जो दिया जाता है बिजनेस फर्म को मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट के लिए. कैश क्रेडिट होता है, एक लिमिट सेट कर दी जाती है यहाँ पर, सीसी लिमिट भी जिसे बोला जाता है. तो जितना बोरोअर को चाहिए होता है उतना वो लोन यहाँ से ले लेते हैं एंड उन्होंने उतने अमाउंट के ऊपर ही उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है कि हमने किसी को क्रेडिट में सामान बेचा और उनसे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, उस बिल ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी डेट आने से पहले ही हम बैंक के पास जा सकते हैं और उस बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं, यानी कि पैसा ले सकते हैं आज ही जो मिलने वाला था 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद. इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. सो दीज आर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस स्टूडेंट्स. एंड इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी जो है वो हो गया है खत्म स्टूडेंट्स. तो हमने पावर पैक रिवीजन सेशन 2 कर लिया है बच्चों, और इसके बाद ही हम लोगों ने तुरंत कर लेना है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड SQP. तो आई होप
चलिए अब ये जो चैप्टर है दिस इज चैप्टर नंबर 7, हमने चैप्टर नंबर 8 पहले कर दिया है एंड चैप्टर नंबर 7 अब हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। यहां से सब बच्चों को पता है कि 10 नंबर का श्योर शॉट क्वेश्चन आने वाला है विच इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आना होगा। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि वो उसी 10 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर पूरा पूरा फोकस कर देते हैं एंड एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि वॉट थ्योरी इज देयर। बेटा आपकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पर थ्योरी आने के चांसेस भी है। तो आपको कुछ भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, अभी भी आपके हाथ में आज का आधा दिन रखा हुआ है तो आप प्लीज थ्योरी पढ़ के जाएं। आपके लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बट एक दिन पहले एग्जाम के आप कितने न्यूमेरिकल लगा के दे पाएंगे, 3-4 न्यूमेरिकल कर पाएंगे और आपको ज्यादा सर क्वेश्चन देखकर ही जाने होंगे। जो प्रैक्टिस थी वो अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी, मतलब पहले कर ली होगी आपने। अब आज के दिन आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं करने हैं, आपको ध्यान देना है थ्योरी के ऊपर क्योंकि जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका रिटेंशन होगा। चलिए तो इस चैप्टर में हमारे पास थ्योरी के लिए क्या है, हमारे पास सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट निकलता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस भी हो सकता है ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इन द गिवन टाइम पीरियड। नॉर्मली जो टाइम पीरियड हम फॉलो करते हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द सेल्स प्रोसीड के ऊपर जो जो हमने खर्चा किया है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये करेंगे तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आ जाएगा विच कैन बी ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और इट कैन बी ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसे आपको ध्यान से याद रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप सबने फाइनल अकाउंट में किया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन जो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है उसके पास हो सकता है कोई भी ओपनिंग स्टॉक ना हो। परचेजेस होता है दूसरा जिसे हम बोलते हैं नेट परचेजेस, ऑल्दो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दे। अभी कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये पता नहीं होता है कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब भी परचेजेस होता है। यस स्टूडेंट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब बिजनेस से जो बाहर सामान गया, हमने हमारे सप्लायर से कुछ परचेज किया और उसे हमने डिफेक्टिव होने की वजह से या एज पर हमारे स्पेसिफिकेशन ना होने की वजह से वापस कर दिया तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न हो गया है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स मतलब हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट होता है लेकिन सेल्स में से कुछ रिटर्न भी हो सकती है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न इन वर्ड। देन हमारे पास होता है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड होता है, उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नीचे लिखा हुआ मिलता है इसीलिए आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों में लिखते हैं शोइंग एज एन एसेट। अदरवाइज अगर ये आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता है तो आप इसे फिर एक ही जगह पर लिखते हैं दैट इज योर ट्रायल, दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सीक्वेंस है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, मतलब कि आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो जाकर के लिख दिए होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर आप लिख रहे होते हैं क्या, यहां पर आप लिख रहे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां से या तो आपको नेट लॉस मिलने वाला है या फिर यहां से आपको मिलने वाला है नेट प्रॉफिट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो बनता है इसमें हम लिखते हैं सब तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ये जो नेट प्रॉफिट निकलता है इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां, इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में और इसे कैपिटल के साथ जाकर के जोड़ दिया जाता है। ये भी अकाउंट जो है ईयर टाइम बेस्ड है, मतलब कि हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिर अकाउंटिंग ईयर के लिए बनता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। अब वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करी जाती है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस और एडमिन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस वहां पर आते हैं। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेयरहाउस का रेंट, गोडाउन का रेंट, स्टोरेज एक्सपेंसेस, कैरियज आउटवर्ड। अच्छा, कैरियज आउटवर्ड और इनवर्ड में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो कैरियज आउटवर्ड होता है मतलब जो गुड हम सेल कर रहे हैं सेल्स के ऊपर लगने वाला आउट यू नो कैरियज। तो कैरियज आउटवर्ड हमेशा ही कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वेयर इज कैरियज इनवर्ड इज द कैरियज विच यू हैव पेड ऑन
रिसीविंग द गुड्स मतलब परचेज के ऊपर जो खर्चा किया है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में. सैलरीज ऑफ स्टाफ, कमीशन ऑन सेल्स, ब्रोकरेज, पैकिंग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब कि डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर्स वगैरह जो भी हमने पे किया हुआ है, बैंक चार्जेस वगैरह, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ऑल्सो दे कम अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, अलग अलग हेड में डिवाइडेड है. आपको ऐसे अलग अलग हेड में लिख के आना नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इन सारे हेड्स के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स. देन इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, दैट इज योर बैलेंस शीट. प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के. रेवेन्यू इनकम्स यहाँ पर आती है क्रेडिट साइड में. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, रेवेन्यू इनकम आती है जैसे कि यू नो डिस्काउंट आपको मिला है, इन द ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस में कोई कमीशन मिला हुआ है आपका, या फिर नॉन ट्रेडिंग इनकम्स में जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है क्रेडिट साइड में. सो इसके क्रेडिट साइड में बहुत कम आइटम आपको दिखाई देंगे, मेजर आइटम जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं डेबिट साइड में. फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा जो फाइनल अकाउंट है उसके अंदर तीन चीजें होती है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट या जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच सेट्स आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन अ सर्टेन डेट, ये हमेशा एक डेट पे बनती है. वेयर एज अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो फॉर अ पीरियड वो बनता है. इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट बिकॉज इट इज अ शीट ऑफ दोज लेजर अकाउंट्स विच हैव नॉट बीन क्लोज, जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर क्लोज नहीं किए, उन्हें यहां आकर के क्लोज किया जाता है. तो यहां पर जितने पर्सनल अकाउंट्स आते हैं जैसे कि डेटर्स वगैरह के या रियल अकाउंट होते हैं वो सारे अकाउंट्स यहाँ पर आकर के क्लोज होते हैं बैलेंस शीट में. ओके, सो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उन सब आइटम्स को लिखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर. बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको बैलेंस शीट में एक साइड दिखाई दे रहा है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी के अंदर आपके पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म मॉर्गेज लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक वगैरह लिया है, डिबेंचर लिया है, तो वो आता है. ओनर्स इक्विटी मतलब कि ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप की खुद की कैपिटल, जिसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं उसके अंदर हम जाके नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स को माइनस करते हैं, ये आपको आगे जाके करना है. ओके, एसेट्स जब आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे क्लास 11th में तो आपका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट भी आ जाएगा. एसेट साइड में हमारे पास दो तरीके की एसेट होती है, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट. ऐसे बाइफर्केशन करके आप नहीं भी लिखेंगे 10th के लेवल पे तो चलेगा. कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट में फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट मशीनरी वगैरह, इस तरीके की एसेट्स इंक्लूडेड होती है. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से एक बार ये पढ़ लेना है कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर आता क्या है. फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको नहीं कराऊंगी, मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में से आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करा दूंगी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो भी हम लिख करके देख के कर लेंगे. चलिए, तो आपका चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो गया है. आपको फिर से याद दिला दूं कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस का चैप्टर हमने पहले ही, सॉरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस नहीं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थे उसका चैप्टर हमने पहले ही खत्म करा दिया है आपका, और आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का चैप्टर भी हमने पहले ही खत्म करा दिया. इस यूनिट में से जो बिलोंग करता है आपका कॉस्ट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू वो हमने पहले खत्म करा दिया था, तो आप उसे वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हैं. उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वीडियो की, आप उसे वहां पर से जरूर देख लीजिएगा. तो ये पूरी की पूरी यूनिट जो है आपकी यहां से खत्म हो जाएगी. अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वीडियो का वो ये है कि हम जाकर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, कल का भी कुछ पार्ट छूटा हुआ है, हमने जाकर के क्वेश्चन नहीं देखे थे उन क्वेश्चन को देखेंगे, और इस यूनिट को जो आज हमने खत्म करी है इसके क्वेश्चन भी हम जाकर के देखेंगे पहले के पेपर में से और सैंपल क्वेश्चन पेपर में से. ये है आपका 2020-23 का SQP जो कि cisc.org.com से आप जाकर के क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. ये है CISC बोर्ड का दिया हुआ पेपर जिसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. जैसा हमने पहले किया था, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ अभी नहीं जा रही हूँ. आई एम डायरेक्टली गोइंग टू दिस सेक्शन जहां पर आपके 2 मार्क का क्वेश्चन दिए हुए हैं और आगे 5 मार्क का क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो जो जो आपने चैप्टर्स आज मेरे साथ कंप्लीट किए हुए उनको मैं देख लेती हूँ. तो हमारे पास हमने स्टेक होल्डर का पहले डिस्कशन कर लिया था. अब ये देखिए क्या पूछा गया, मार्केटिंग एंड सेल्स का डिफरेंस पूछा गया पूरे 2 नंबर के लिए. तो मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म एंड नैरो होता है सेल्स. मार्केटिंग का पूरा फोकस जो रहता है वो होता है कस्टमर के ऊपर, जबकि सेलिंग का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, सेलर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर. तो इस तरीके से आपको इसे करना है. और आई होप आपको सिर्फ आपको पता है कि यहां पर दो ही आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन लिखने होते हैं 2 मार्क्स के
लिए टू डिस्टिंक्शन बिटवीन लिखेंगे, लेकिन हमेशा बेसिस का कॉलम आप जरूर बना के आएंगे. देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो आपका हमारे आज के यूनिट का पार्ट नहीं है इसीलिए मैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर जरूर है. तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द वन उनको जिनको कि हम यू नो प्रेफरेंस देते हैं एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जबकि बात करें वोटिंग राइट्स की, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलते. इक्विटी को अपनी लाइफ टाइम में कंपनी बायबैक नहीं करती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन भी हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग इज वन यू नो आपको लिखना होगा कि मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड. मार्केटिंग की जो स्टार्टिंग होती है दैट स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि आफ्टर द सेल ऑल्सो हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे फीडबैक लेते रहते हैं, उनसे वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं. ई एडवर्टाइजिंग भी हमने कर लिया था, तो ई एडवर्टाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एडवर्टाइज करना थ्रू वेरियस सोशल मीडिया साइट्स वगैरह, इसको बोलते हैं ई एडवर्टाइजिंग. देन आपके पास है व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो आपका एक्ट के फीचर लिखने थे यहाँ पे, थ्री टायर मैकेनिज्म लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं. डिस्कस एनी ये नहीं है, मैं आज जो मैंने कराया है एंड कल का जो पार्ट बाकी है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके देख रही हूँ. ओके सो डिस्कस एनी फाइव फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी. ये भी हमने यूनिट नंबर 2 में से किया था. देखिए इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आया, कितने सारे फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एजेंसी के दिए हुए थे. मीडिया प्लानिंग एंड एडवर्टीजमेंट एजेंसी इज अ बिजनेस इन इटसेल्फ एंड एक्सेट्रा, वो सब कुछ यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपको काफी डिटेल में लिख के आने होंगे. मॉड्यूल्स ऑफ ARP पूछे गए थे आपसे, सेल्स मॉड्यूल था, परचेस मॉड्यूल था वहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल था, फाइनेंस मॉड्यूल था, अकाउंटिंग मॉड्यूल था, उतने सारे मॉड्यूल में से 5 मॉड्यूल यहाँ पर लिख के आने हैं. टेक्निक्स ऑफ प्रमोशन थे, कूपन थे, फिर फ्री गिफ्ट्स थे एंड देन यू नो टिकट्स थे एंड सो मेनी अदर थिंग्स वर देयर. सो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. 5-5 मार्क के लिए पूछे गए टॉपिक्स देमसेल्फ वर काफी बिग टॉपिक्स थे. देन पूछा गया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंटरनल रिक्रूटमेंट, वो आज के चैप्टर का पार्ट नहीं है इसलिए नहीं देख रही. अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने पहले भी कभी कराया था लेकिन आज आपके साथ साथ ही आप जाकर वीडियो ना ढूंढना पड़े आपको, इसीलिए मैं आज इसके साथ ही करा देती हूँ. हमारा जो सोल प्रोपराइटरशिप का फाइनल अकाउंट था उसके अंदर क्या क्या आया हुआ है ये देखिए. तो यहाँ पर है आपके पास कैपिटल, कैपिटल ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा. ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है, इसे हम माइनस कर देंगे कैपिटल में से. कैश एट बैंक आपकी एसेट है. परचेजेस जो है, परचेजेस इज योर एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में एक एक्सपेंस आएगा. सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख देती हूँ, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे. परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज में से माइनस कर लेंगे इसको, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देंगे आप. डिस्काउंट कहाँ लिखा है पहले हमें देखना होगा. डिस्काउंट इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, तो डिस्काउंट इज डेबिट ऑफ P&L अकाउंट. देन कैरियज आउटवर्ड, P&L के डेबिट में जाएगा ये. सैलरीज अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, P&L के डेबिट में जाएगा. ट्रेड एक्सपेंस कंफ्यूज मत होना, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, P&L के डेबिट में ही जाएगा. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में. रेंट इज ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. मशीनरी इज एन एसेट, तो एसेट साइड में चले जाएगी. फर्नीचर इज एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा. डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में. क्रेडिटर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा स्टूडेंट. एंड स्टेशनरी की बात करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. कमीशन रिसीव भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सिंस इट इज कमीशन रिसीव्ड इट विल गो टू द क्रेडिट साइड. लोन इज अ लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जाएगा. एंड ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये दो जगह पर जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा आपका क्रेडिट साइड में. सो इस तरीके से हम इसको टैकल कर लिए हैं. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ. तो ये है आपका cisc.org पर अवेलेबल 2022 का टर्म 2 का पेपर. वहां पर दो बारी में पेपर हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2, एंड टर्म 2 में 40 मार्क्स का पेपर हुआ था. तो यहां से हम पूरा पेपर नहीं देख पाएंगे क्योंकि काफी सारा पोर्शन जो था वो बाइफर्केटेड था. तो अभी जो हमने आज और कल में रिवाइज किया उसमें से जो एप्लीकेबल है उसमें मुझे यही लग रहा है सिर्फ एक ये 10 मार्क का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है जो कि पिछले साल आया था 6 नंबर का. तो इसे हम देख लेते हैं, इस साल आपको 10 नंबर का ही आने वाला है, इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं. चलिए तो यहां पर सबसे पहले आपके पास है
कैपिटल अकाउंट. अच्छा, इसे मैंने साथ साथ ओपन नहीं किया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसे मैं जरा ओपन कर लेती हूँ ऑन माय सॉफ्टवेयर जहां पर मैं लिख पाऊँ. चलिए, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल, तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में चला जाएगा. फिर उसके बाद ड्रॉइंग्स, ये माइनस हो जाएगा लाइबिलिटीज में से. फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है. देन हमारे पास डेटर्स है, ये एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. परचेज रिटर्न परचेज में से हम इसे माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स. एंड देन उसके बाद हमारे पास है सेल्स, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. एंड उसके बाद सेल्स रिटर्न है जिसे हम माइनस करेंगे सेल्स में से. फिर है कैश इन हैंड, ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा. फिर उसके बाद है वेजेस, वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है. रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाला आइटम है स्टूडेंट्स. देन आपके पास है सैलरी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाला आइटम है. बींग इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के आपके डेबिट साइड में जाने वाला आइटम है. रेंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है. देन आता है आपके पास बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो बैलेंस शीट में से हम एसेट साइड में लिखेंगे. वेयर इज बिल्स पेएबल, क्या है ये, है हमारी लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसे हम लिखेंगे. बैड डेट्स एक तरीके का नुकसान होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसे लिखेंगे. कैरियज इनवर्ड, हमेशा याद रखिए कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है. वेयर इज कैरियज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होता है. फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, तो ये एसेट अकाउंट एसेट में लिख देंगे बैलेंस शीट में. देन आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दो जगह पर जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है. तो स्टूडेंट ये था 10 नंबर का क्वेश्चन, मतलब इस साल ये 10 नंबर का आएगा, पिछले साल इसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कर दिया गया था, इसीलिए ये कम मार्क्स के लिए आया था. दिखाई दे रहा है ये है cisc.org पे अवेलेबल पीपल्स परफॉर्मेंस. तो पीपल्स परफॉर्मेंस में हम लोग देख रहे हैं 2020 का पेपर. यस डेफिनेटली द कमर्शियल स्टडीज का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिमेन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि सिलेबस में कोई एसेज बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ चेंजेस है, लेकिन पेपर पैटर्न एक्सेप्ट फॉर द यू नो 16 जो आपका 16 मार्क का सेक्शन ए में जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, उसके अलावा चीजें बहुत कुछ चेंज नहीं हुई है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी के बीच का डिफरेंस दिखाई दे रहा है. दो नंबर का क्वेश्चन है एंड बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट किसी ने मुझे कमेंट में लिख के पूछा भी था कि मैम यहाँ पे क्या चार नंबर लिखने हैं. बिल्कुल भी नहीं, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी का पूरा आंसर बुक में से छाप दिया है, लेकिन यहाँ देखिए एट द एंड क्या लिखा हुआ, एनी टू, तो आपको दो ही डिफरेंसेस लिख के आने हैं स्टूडेंट, चार डिफरेंस नहीं लिखने. आपका दो घंटे का पेपर है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा. प्लीज कोशिश करिए कि आप टू द पॉइंट लिख कर एक्स्ट्रा चीजें लिख कर आए, लेकिन हाँ ये फॉर्मेट याद रखिए. देखिए बोर्ड ने खुद फॉर्मेट दिया हुआ, बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड देन टू कॉलम ऑफ डिफरेंस, ये आपको याद रखना है. चलिए तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी जो यूनिट रिवाइज किया उसमें से हो गया. देन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी फाइनेंस वाली यूनिट में से, इक्विटी शेयर भी फाइनेंस वाली यूनिट में से है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर तो हमारा यूनिट नंबर वन में से है. देन ये सारा देखिए कितना सारा इन यूनिट्स में से आया हुआ है पोर्शन, तो काफी सारा हमको देखने के लिए मिल गया. अब आगे जाके देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ ले. ई टेलिंग, मैंने कल भी बोला था ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का मतलब पूछा गया. देखिए ई टेलिंग का अगर आपको आंसर देखना है कि कैसे लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का शॉर्ट फॉर्म जो है उसको बनाया गया ई टेलिंग, सेलिंग द गुड्स. यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, एमेजॉन है एंड यू नो फ्लिपकार्ट है, ये सब ये देखिए एग्जाम्पल लिखे भी उन्होंने. तो इस तरीके से आंसर लिखना है. फिक्स कॉस्ट मीन्स अ कॉस्ट विच डज नॉट वेरी एंड रिमेन कॉन्स्टेंट विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपका एग्जाम्पल जरूर जरूर लिख के आना है अपने आंसर में. छोटा सा आंसर मत लिख के आइएगा, आंसर लिखिए मतलब एक या दो लाइन में और उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी लिखिए. देन उसके बाद हमारे आज और कल में से जो हमने यूनिट्स में से कंप्लीट किया वही क्वेश्चंस की तरफ मैं सिर्फ देख रही हूँ अभी. स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट नो. ई सिक्योरिटी, ये भी हमने कल ही पढ़ा था. देखिए ई टेलिंग भी पूछ लिया, ई रिटेलिंग भी पूछ लिया एंड ई सिक्योरिटी भी पूछ लिया है. देन उसके बाद आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पर आगे चलते हैं और क्या पूछा गया है हमसे.
हमने जो यूनिट्स कंप्लीट करी उसके ऊपर हमारा फोकस है, उसमें से देख रहे हैं हम लोग. एंड यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, टू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछे गए. तो देखिए, टू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप सोशल वेलफेयर लॉ लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन एंड इफेक्टिव सेफगार्ड पूछ बोल सकते हैं, स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स बोल सकते हैं. ये टू फीचर्स है और एनी टू फीचर्स विद वैलिड पॉइंट्स आपको लिखना है एंड एक्सप्लेन करके आना है. उन्होंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए लेकिन आपको लिखना है और एक्सप्लेन करके आना है. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग पूछ लिया है 5 नंबर के लिए. वॉट आर द ईआरपी मॉड्यूल्स? माई गॉड, पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये ईआरपी मॉड्यूल. तो ईआरपी मॉड्यूल में काफी सारे हैं. आई थिंक इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी अभी हमने देखा सेल्स मॉड्यूल, इन्वेंटरी मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, परचेस मॉड्यूल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल. तो ये सारे मॉड्यूल आपको लिख के आने हैं. देन इसके बाद एक्सपेक्टेशन हमारी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फिर हम देख लेते हैं कि और क्या है हमारे पास. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक्सप्लेन एनी रोड ट्रांसपोर्ट. ये सब तो हमारे पोर्शन में नहीं है अभी, मतलब हमने जो डिस्कस किया उसमें से नहीं है. देन चलिए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो है आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन. चलिए तो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोला गया है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड एसेट. ड्रॉइंग्स को आप माइनस करेंगे कैपिटल में से, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. कैश एट बैंक इज एन एसेट. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. ट्रेड एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. बहुत सारे बच्चों को लगता है ट्रेड एक्सपेंस एंड ट्रेडिंग मैच करता है तो वहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है. एसेट जाएगा, एसेट साइड में जाएगा फर्नीचर, बिल्डिंग एसेट साइड में जाएगा. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. डिस्काउंट अलाउड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे हम सेल्स में से, एंड परचेस को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. डेटर्स हमारी एसेट्स है. टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में जाएगा. देन उसके बाद आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे स्टूडेंट. एंड देन लोन दिया हुआ है लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा. परचेज रिटर्न को आप माइनस कर देंगे परचेजेस में से, कैपिटल तो लाइबिलिटी होता है. डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. तो देख लिए स्टूडेंट हम लोगों ने 2022 का सेकेंड टर्म का एसक्यूपी कर लिया, 2023 का एसक्यूपी कर लिया, और साइड से देख कर ही हमने 2020 का क्वेश्चन पेपर भी देख लिया. सो स्टूडेंट आई होप ये कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है. एंड इस रिविजन को आप जितना अच्छे से देखेंगे और कर लेंगे आपको अपनी स्टडी में जो है काफी बूस्ट दिखाई देगा. और कल आपका एग्जाम है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है. हमने जो यूनिट्स यहाँ पर अभी कंप्लीट किए, जो भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन किया है विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ सिलेक्टिव स्टडी. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे. एंड यस, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एंड वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया. और जितना हो सकता है इसको कर दो लाइक एंड शेयर. एंड चलो अब लग जाओ बाकी की पढ़ाई में. वी विल मीट वंस अगेन बिफोर द इकोनॉमिक्स एग्जाम. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय. एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो.